सो दोस्तों, YouTube चैनल बैनर बनाना बहुत ही मुसीबत का काम होता है, क्योंकि इसमें तीन तरह के इंटरफेस होते हैं। एक तो टीवी के लिए होता है, दूसरा आपका कंप्यूटर के लिए होता है, तीसरा आपका मोबाइल के लिए होता है। तो इसमें फिक्स कैसे होगा, साइज कैसे सेट करेंगे, आज की इस वीडियो में प्रोफेशनली अपने मोबाइल से ही आप जो है चैनल आर्ट बनाना सीख जाएंगे। अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखते हैं तो 100% गारंटी से कह रहा हूँ, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का भी आप जो है मोबाइल से ही चैनल आर्ट, चैनल कवर, चैनल बैनर बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल आर्ट बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो। और जैसे ही ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का फर्स्ट टाइम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है इमेज साइज, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करना होगा। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब चैनल बैनर आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से साइज जो है आ जाएगा। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसको सिंपली यहाँ पर डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर देना है। देन उसके बाद राइट साइड कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे डबल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये है बैकग्राउंड सेटिंग करने के लिए। यहाँ से 2 कलर मिलते हैं आपको, सिंगल कलर एंड नीचे वाले पे ग्रेडियंट कलर। तो कलर पे जाएंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को हम सेट कर लेंगे। देन उसके बाद दोबारा से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और एक PNG जो है, तो ये ब्लैक इंटीरियर कुछ इस तरह का हमारे पास देखिए बैकग्राउंड आ चुका है। इसको 16:9 रेशियो पे सेलेक्ट कर लेना है और इसको कुछ इस तरह से सेट करने के बाद टिक कर देना है। अब यहाँ पर जाएंगे हेक्साकोन पे, हेक्साकोन पे जाने के बाद जो है रिलेटिव साइज पर जाना है और 100% करने के बाद चेकआउट कर देना है। देन उसके बाद इसी हेक्साकोन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओपेसिटी, ओपेसिटी पर जाने के बाद देन इसकी ओपेसिटी को 40% करने के बाद जो है टिक कर देंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोबारा से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे और एक जो इस तरह के PNG है, देखिए ये PNG आ चुकी है। अब जाएंगे इसी हेक्साकोन वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको मिलता है रिलेटिव साइज और देन उसके बाद जो है इसको 100% हम कर देंगे और यहाँ पर हाइट को भी 100% करने के बाद जो है टिक कर देंगे। अब उसके बाद जो है इसी हेक्साकोन पे कलर का ऑप्शन मिलता है, देन कलर को इनेबल करेंगे और यहाँ से जो है हम येलो कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन टिक कर देंगे। अब देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे। देन उसके बाद दोबारा से प्लस वाले आइकॉन पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और कुछ और PNG जो है उनको मैं ले आता हूँ। तो देखिए इस तरह की PNG जो है इसको मैंने ले लिया है और यहाँ पर ले आए हैं। लाने के बाद जो है इसको प्रॉपर जो है इस तरह से छोटा करना है और यहाँ पर साइड में सेट कर देना है। देन सेट करने के बाद जो है लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब उसके बाद दोबारा से जाएंगे फिर से प्लस वाले आइकॉन पे, फ्रॉम गैलरी पर और एक और PNG ले आते हैं। तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन देखिए कुछ इस तरह के PNG जो है इसको हमें यहाँ पर सेट करना होगा। देखिए इसको आपको ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन से अंदर ही रखना है। देन उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर जाएंगे हेक्साकोन पे और यहाँ पर जाने के बाद जो है रोटेट का ऑप्शन मिलता है, इसको हम रोटेट कर लेंगे 180°C पर। देन उसके बाद इसको मूव करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। देन उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको दोबारा से लॉक कर देंगे। अब दोबारा से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और अपना लोगो हम ले आएंगे। तो देखिए आपको अपना फोटो लगाना है या ब्रांड का लोगो लगाना है, उसको यहाँ पर ले आना है। अब इस तरह की इमेज का लोगो आप कैसे बना सकते हैं, इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, टूनमी एप्लीकेशन करके है, वहां से आप बना सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख लीजिएगा कैसे आपको बनाना है। देन उसके बाद इसको हम टिक कर देंगे। सो अभी आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर में है, हमें एक्चुअली जो है राउंड सर्कल में चाहिए। तो राउंड सर्कल के लिए लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहां पर आपको सर्कल दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट करना है और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा, देन आपको टिक कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से अभी जो है लोगो हमारा आ चुका है, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद कुछ इस तरह से आपको बीच में सेट कर देना है। सेट करने के बाद जो है यहाँ पर हेक्साकोन पे जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पर 4% बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, देन ओके कर देंगे।
अब दोबारा से हेक्साकॉन पे जाएंगे, शैडो पर जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे, देन इसको टिक कर देंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको हम लॉक कर देंगे। अब फिर से हम जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट आ चुका है। अब अपने चैनल का नाम यहाँ पर हमें लिख लेना है, ओके कर देना है। देखिए अब ये आ चुका है। अब हम जाएंगे ए वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर जाने के बाद जो है ए बी फॉन्ट पे जाएंगे, इसका फॉन्ट जो है चेंज करेंगे। माई फॉन्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है द डेविल नेट, लेकिन आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा। इस फॉन्ट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पिक्सल में ऐड करना है, ऑलरेडी हम वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो है ओके कर देंगे। कुछ इस तरह से आ चुका है। अभी ए वाले ऑप्शन पे रहेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन दिख रहा होगा आपको, तो टेक को यहाँ पर हम येलो कलर से कर लेंगे। सो अभी कुछ इस तरह से हो चुका है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी कर लेना है आपको। अब यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको हम पहले वाले को लॉक कर देंगे। यहाँ से आपको चेक कर लेना कौन सा है, ठीक है। लॉक करने के बाद दोबारा से जो कॉपी कर रखे हैं इसको एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से जो पूरा नाम हमारे चैनल का उसको लिख लेंगे। देखिए अभी मैंने लिख लिया है, इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे और यहाँ पर जो बड़ा टी दिख रहा है उसी के नीचे छोटा टी को भी हम सेट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे डेमो के लिए एक बार हम दिखा देते हैं आपको, इसका कलर जो है येलो कलर रखना है। तो ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे और येलो कलर सेट कर देंगे, ओके कर देंगे। लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको भी लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर अब लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है लर्न सम न्यू ऑन एवरी डे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए अभी हमने लिख लिया है, ए वाले ऑप्शन पे दोबारा से जाएंगे, ए बी फॉन्ट पे जाएंगे और जाने के बाद जो है माई फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ पर इसके फॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे। सो यहाँ से खांड बोल जो लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। देन इस तरह से उसके बाद सेट कर लेना है। देन उसके बाद जो है इसी की हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कॉपी का ऑप्शन मिलेगा और इसको कॉपी कर लेना है। देन दोबारा से इसको हम जाएंगे और लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं YouTube अपडेट वीडियो एडिटिंग ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ओके। तो कुछ इस तरह से अभी हमने लिख लिया है, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और देखिए कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। देन उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब अगेन दोबारा से कॉपी करने के लिए इस डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको खिसका के नीचे लाएंगे। यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं फॉलो मी, देखिए अभी काफ़ी छोटा है, इसको खिसकाने के लिए यहीं पर जाएंगे ए वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर पोजीशन आपको मिल जाएगा, मूव वाई को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यहाँ से इस तरह से खिसका लेना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, इसको हम लॉक कर देंगे। देन उसके बाद दोबारा से प्लस वाले आइकॉन पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, यहाँ से सोशल मीडिया का जो PNG है इसको ऐड कर लेंगे, साइज को छोटा करेंगे और छोटा कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे जूम वाले ऑप्शन पे और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे जिससे सेटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। दोबारा से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम छोटा करके सेट कर लेंगे। तो इसको छोटा करने के लिए हेक्साकॉन पे जाएंगे और यहाँ पर रिलेटिव साइज पर क्लिक करेंगे और इसके साइज को कुछ ऐसे छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा और खिसकाएंगे इसको, यहाँ पर लेकर आएंगे और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ से हम जाएंगे पोजिशन पर और थोड़ा सा नीचे इसको कर लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से करेंगे इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हेक्साकॉन पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे और यहाँ पर व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। सो पोजीशन को थोड़ा सा और हम सेंटर में करेंगे, कुछ इतना कर लेंगे और ये जो फॉलो मी लिखा हुआ है इसको भी हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसके पास में ले आएंगे और ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे और पोजीशन पे जाने के बाद जो थोड़ा सा इसको ऐसे खिसका देंगे। दोबारा से जाएंगे यहाँ पर जूम वाले ऑप्शन पे, जूम आउट कर देंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अभी ये हो चुका है। देन उसके बाद जो है इसको हम लॉक कर देंगे। दोबारा से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और यूट्यूब का लोगो ले आते हैं। सो देखिए यूट्यूब का हमने लोगो जो है यहाँ पर ले आए हैं, इसको टिक कर देंगे, साइज को छोटा कर लेंगे और साइज को छोटा करने के बाद जो यहाँ पर जाएंगे हेक्साकॉन पे, पोजीशन पर जाएंगे और कुछ इस तरह से इसको हम खिसका लेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे और थोड़ा सा इसको हल्का टेढ़ा कर देंगे, साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हेक्साकॉन पे ही स्ट्रोक ऑप्शन मिलेगा, इनेबल कर देंगे इसको और 2-3% कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हेक्साकॉन पे ही नीचे जाएंगे तो शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर देंगे और टिक कर देंगे।
देन उसके बाद इसी हेक्सागन पे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करने के बाद, तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इसको कॉपी कर लेंगे। अब दोबारा से जाएंगे पोजीशन वाले ऑप्शन पर, यहाँ पोजीशन में मूव बाय जो लिखा है इसको फुल कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम मूव करेंगे, टिक कर देंगे। फिर दोबारा से जाएंगे हेक्सागन में, रिलेटिव साइज मिलेगा आपको, यहाँ पर साइज को छोटा कर लेंगे कुछ इतना, साइज को 4% कर देंगे, ओके कर देंगे। देन दोबारा से यहाँ पर जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पर और इनको दोनों को लॉक कर देंगे। इसमें देखेंगे कौन सा बड़ा वाला है, इसकी हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ चुका है देखिए, और यहाँ पर जाएंगे हेक्सागन पे पोजीशन पर और इसको मूव बाय को बढ़ा लेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा साइड में ले जाएंगे। सो इस तरह से सेट कर लेना है। अभी देखिए हमारा जो चैनल आर्ट है, चैनल बैनर है, वो बनकर रेडी हो चुका है प्रोफेशनली। जो भी कुछ लिखना था अपने हिसाब से, आपका जो भी चैनल है आप भी लिख लीजिएगा। सेव करने के लिए सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन सेव एज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम लिखा हुआ है इसको अल्ट्रा पर क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे और हमारा चैनल आर्ट जो है वो सेव हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल आर्ट में जो भी मटेरियल हमने यूज किया है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप भी चैनल आर्ट बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।